हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 की ज्योग्राफी के इकाई सेकंड के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम पृथ्वी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के बारे में, और इसमें बाद में हम पढ़ेंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग, वेगनर के द्वारा दिए गए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, और क्या है प्लेट विवर्तनिकी, और भूकंप और ज्वालामुखी के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे, पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास कैसे होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे होती है, इसके आधार पर कौन कौन से है वो भूगोलवेत्ताओं ने सिद्धांत दिए हैं, उसके साथ बिग बैंग सिद्धांत है उसके बारे में भी हमने अध्ययन किया। ठीक है, और आज हम क्या पढ़ेंगे, तारों के निर्माण किस प्रकार होते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तारों का निर्माण, ग्रहों, उपग्रहों का, क्षुद्र ग्रहों का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तारों का निर्माण, प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा और पदार्थ का वितरण समान नहीं था, यानी शुरुआत में जो ब्रह्मांड है प्रारंभ में जब बना था तो उसमें ऊर्जा और जो पदार्थ थे उनका वितरण फैलाव है वो समान नहीं था उस समय, और घनत्व में आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई, यानी जो पदार्थ है उनमें उनके घनत्व में अंतर था तो उसी के कारण क्या होती है गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आ गई, और जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थ का एकत्रण होता है, यानी पदार्थ एकत्रित होने लगते हैं, पास पास में आने लगते हैं, और यही एकत्रण आकाशगंगाओं के विकास का आधार बनता है, और एक आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह होता है। यानी कि ब्रह्मांड में यदि शुरुआत में देखें तो ऊर्जा और पदार्थ है वो क्या होते हैं उनका वितरण समान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि उनका घनत्व होता है उसमें अंतर पाया जाता है, और उसके कारण उनके गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आ जाती है, और पदार्थ क्या होने लगते हैं एकत्रित होने लगते हैं, और उनके एकत्रण के कारण आकाश गंगाओं का विकास होता है, यानी विभिन्न प्रकार की ब्रह्मांड में आकाश गंगा बनती है। आकाश गंगा क्या होती है, असंख्य तारों का एक समूह होता है, और हमारी जो आकाश गंगा है उसे क्या जाता है नियारिका के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद देखें, जैसे पहले ये मान लो क्या है आकाशगंगा, इसमें बहुत असंख्य तारे होते हैं। ठीक है, ये आकाशगंगा में बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, सौरमंडल पाए जाते हैं, और उन सौरमंडल है उनमें से हमारा भी एक सौरमंडल है, और इसमें हमारी क्या पाई जाती है पृथ्वी पाई जाती है। ठीक है, और सौरमंडल में हमारे 8 ग्रह पाए जाते हैं, सूर्य और 8 ग्रह पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो आकाश गंगाएं बनती है वो असंख्य तारों का एक समूह के रूप में बनती है। आकाश गंगाओं का विस्तार इतना अधिक होता है कि उनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। प्रकाश वर्ष क्या होता है, ये प्रकाश को मापने की इकाई नहीं होती, ये होती है दूरी को, न समय की और न प्रकाश की, बल्कि दूरी को मापने की इकाई होती है प्रकाश वर्ष। तो आकाश गंगाएं होती है उनकी दूरी की बात करें तो हजारों प्रकाश वर्षों में मापी जाती है। एक अकेली आकाश गंगा का व्यास देखें तो एक अकेली आकाश गंगा व्यास 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच हो सकता है, ये भूगोलवेत्ताओं ने अनुमान लगाया। एक आकाशगंगा का निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादलों के संचयन से होती है, जिसे नियारिका कहा गया है। यानी आकाशगंगा उसके निर्माण कैसे होता है, हाइड्रोजन जो गैस के विशाल बादल पाए जाते हैं ब्रह्मांड में उनके संचयन से है वो नियारिका बनती है, जिसे हम अपनी आकाशगंगा को क्या कहते हैं, नियारिका नेबुला कहते हैं। और क्रमशः इस बढ़ती हुई नियारिका के गैस के झुंड विकसित हुए, और ये झुंड बढ़ते क्या हुए, गैसीय पिंड बन गए जिनसे तारों का निर्माण हुआ। अब यहाँ पर देखें तो आकाश गंगा है उसके निर्माण की शुरुआत में हाइड्रोजन गैस के बादल हैं, वो बादल है उनका संचयन होता है धीरे धीरे, और ये जो गैस के झुंड है वो धीरे धीरे क्या होते हैं, घने हो जाते हैं, यानी सघन होने लगते हैं। गैस ये पिंड है वो आपस में क्या होने लगते हैं, गुरुत्वाकर्षण का कारण आपस में एक दूसरे के नज़दीक आते जाते हैं, और जिनके कारण तारों का निर्माण होता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ था, यानी तारों का निर्माण कितने वर्ष पहले हुआ, तो 5 से 6 अरब वर्ष पहले होता है। अब बात करते हैं प्रकाश वर्ष के बारे में, प्रकाश वर्ष क्या है, तो यह समय का नहीं है, वरना किसका माप है, ये दूरी का, यानी दूरी को मापते हैं ना ग्रहों के बारे में, यानी ग्रहों की दूरी के, सूर्य के, इसकी दूरी के माप, दूरी को हम मापते हैं तो प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। और प्रकाश की गति है वो 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश की गति की बात करें तो कितने होते हैं, 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करता है प्रकाश, 3,00,000 किलोमीटर करता है। विचारणीय है कि एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वह प्रकाश वर्ष होगा, यानी प्रकाश एक साल में जितनी दूरी तय करता है उसे क्या कहते हैं, हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और इसका मान दिया गया इसमें 9.46 इंटू
1.012 किलोमीटर के बराबर होता है। पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी 14,95,98,000 किलोमीटर है। यह है पृथ्वी की और सूर्य के बीच की दूरी बताई गई है। और प्रकाश वर्ष के आधार पर देखें तो ये कितनी 8.311 है, दूरी है प्रकाश वर्ष के आधार पर, ठीक है, किलोमीटर में ये है। उसके बाद देखते हैं ग्रहों का निर्माण, यानी तारों का निर्माण के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। अब देखते हैं ग्रहों का निर्माण कैसे होता है। तो ग्रहों के विकास की निम्नलिखित अवस्थाएं मानी जाती हैं, यानी ग्रहों के निर्माण के लिए अवस्थाएं दी गई है, यानी इनके आधार पर है वो ग्रहों का निर्माण होता है। तो तारे हैं वो नियारिका के अंदर गैस के गुंथित झुंड है। हमने अभी पढ़ा तारे कैसे बनते हैं, नियारिका के अंदर बहुत सारे हैं वो तारों का समूह होता है और उसके अंदर गैस से गुंथित है झुंड यानी बादल होते हैं, उसके आधार पर तारे बनते हैं। और इन गुंथित झुंडों के गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में करोड का निर्माण हो जाता है और इसी गैसीय करोड के चारों तरफ गैस और धूल कण की घूमती हुई तस्वीर विकसित होती है। यानी कि यहाँ पर जो गैस के बादल घूम रहे हैं उसके चारों क्या हो जाता है, ये आपस में गुरुत्वाकर्षण के कारण एक जगह आ जाती है और करोड का निर्माण हो जाता है। और इसी गैसीय करोड के चारों और गैस के और धूल कण के वो कण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, तस्वीर के आधार में रूप में विकसित हो जाते हैं। और अगली अवस्था में क्या होता है, ये गैसीय बादल का संघनन आरंभ हो जाता है, यानी संघनन का मतलब इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। और क्या होते हैं, इकट्ठे होने के बाद गैसीय करोड के ढकने वाला पदार्थ छोटे गोलों के रूप में विकसित होता है और ये छोटे गोले सहसंजन, सहसंजन का मतलब होता है अणुओं में पारस्परिक आकर्षण होता है और प्रक्रिया के द्वारा ग्रहणों में विकसित हो जाते हैं, ग्रहणों में विकसित हो जाते हैं और संगठन की क्रिया द्वारा बड़े पिंड बनने शुरू हो जाते हैं। संगठन यानी एक जगह इकट्ठे होने लगते हैं, ये गैस के ये क्या होते हैं, गैस के जो कण है आपस में इकट्ठे होने लगते हैं, एक बड़े पिंड का रूप ले लेते हैं और गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम शुरू आपस में क्या होने लगते हैं, जुड़ने लगते हैं। छोटे छोटे पिंड है वो आपस में गैस के कण आपस में मिलने लगते हैं और छोटे छोटे पिंडों की अधिक संख्या क्या कहलाती है, ग्रहणु कहलाती है। ये दूसरी अवस्था है। अब अंतिम या तीसरी अवस्था की बात करें तो इसमें अनेक छोटे ग्रहणों के संवर्धित होने पर कुछ बड़े ग्रहों का निर्माण हो जाता है, जिसके आधार पर किसका निर्माण होता है, ग्रहों का निर्माण होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से तीन अवस्थाएं दी गई है जिसके आधार पर क्या होता है, ग्रह बनते हैं। अब आता है सौरमंडल, सौरमंडल कैसे बनते हैं, यानी कि सौरमंडल होते हैं, सौरमंडल यानी हमारी जो नियारिका आकाशगंगा है उसमें हमारा सौरमंडल पाया जाता है, सौरमंडल में भी हमारी पृथ्वी पाई जाती है। जैसे हम कक्षा 11 में पढ़ते हैं, कक्षा 11 में क्या पढ़ा हमने कि ये आकाशगंगा है, ठीक है, एक अपनी आकाशगंगा जिसे हम क्या कहते हैं, नियारिका, इसके अंदर क्या पाया जाता है, अपना बहुत सारे सौरमंडल पाए जाते हैं और इनमें से एक अपना सौरमंडल पाया जाता है। और सौरमंडल में भी क्या पाए जाते हैं, पृथ्वी और 8 ग्रह पाए जाते हैं, उनमें हमारी एक पृथ्वी है, इस प्रकार से हमने पढ़ा था। तो सौरमंडल है इसमें कितने ग्रह, 8 ग्रह। नियारिका को सौरमंडल का जनक कहा जाता है क्योंकि सौरमंडल किस में पाया जाता है, नियारिका में, तो नियारिका से क्या बना है, सौरमंडल, तो सौरमंडल का जनक किसे कहा जाएगा, नियारिका को कहा जाएगा। उसके ध्वस्त होने और करोड़ के बनने की शुरुआत 5 से 5.6 अरब या कहेंगे 5.5 अरब वर्ष पहले होती है और ग्रह लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले बनते हैं। तो ये इनमें समय दिया गया, काल दिया गया कब बने थे। हमारे सौरमंडल में देखें तो एक आता है सूर्य, सूर्य क्या एक तारा है और उसके साथ 8 ग्रह और 63 उपग्रह और लाखों छोटे छोटे पिंड हैं जिन्हें क्या कहा गया, क्षुद्र ग्रह, यानी ग्रहों का छोटा रूप क्या है, क्षुद्र ग्रह, यानी ग्रहों के टुकड़े हैं जिन्हें एस्ट्रॉइड कहते हैं, धूमकेतु यानी कॉमेट्स, और वृहत मात्रा में धूल कण और गैसें भी पाई जाती हैं ब्रह्मांड में। और इन 8 ग्रहों में यानी कि अपने जो ग्रह हैं वो कौन कौन से हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है, ठीक है, प्लूटो को बता दिया गया। तो हमारे में देखें तो इसमें पहले जो 4 पाए जाते हैं सौरमंडल में, 4 ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, तो उसमें जो पहले 4 पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे, जैसे ये मान लो कि ये अपना क्या है, सूर्य है, ये अपना क्या है, यहाँ पे सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य, इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है कौन है, बुध, और इसके चारों, बुध के बाद में शुक्र, उसके बाद पृथ्वी और उसके बाद क्या है, मंगल, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। और इनके बाद पाए जाते हैं छोटे छोटे ग्रह, यानी क्षुद्र ग्रह की लेयर्स पाई जाती है, तो ये क्या हो गए, भीतरी ग्रह, इन्हें कहा जाता है भीतरी ग्रह। और उसके बाद पाए जाते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल के बाद अरुण, क्या पाए जाते हैं, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, 4 पाए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है बाह्य ग्रह या फिर उन्हें जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। ये जो 8 ग्रह हैं, इन 8 ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल
जो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल है वो सूर्य के नज़दीक ग्रह चार ग्रह, इन्हें इंटर प्लैनेट्स या फिर भित्री ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये सूर्य और क्षुद्र ग्रहों के बीच में स्थित होते हैं। और अन्य जो चार ग्रह हैं उन्हें बाह्य ग्रह यानी आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। जो पहले चार ग्रह हैं कौन कौन से, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, इन्हें पार्थिव ग्रह कहा जाता है। इसका अर्थ होता है कि ये ग्रह पृथ्वी की भांति शैलों से और धातुओं से बना है, बने होते हैं, इसलिए इन्हें पार्थिव ग्रह कहा जाता है। और अपेक्षाकृत अधिक गंतव्य वाले ग्रह भी होते हैं। और अन्य जो चार ग्रह हैं वो गैस से बने विशाल ग्रह या फिर जोवियन ग्रह कहलाते हैं। जोवियन का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे बृहस्पति की तरह है, तो बृहस्पति की तरह इसका जोवियन का अर्थ है, इसलिए जो बाहरी चार ग्रह उनको जोवियन ग्रह कहा जाता है। इनमें से अधिकतर जो पार्थिव ग्रह उससे विशाल है, हाइड्रोजन हीलियम से बना सघन वायुमंडल है। और सभी ग्रहों का निर्माण 4.6 अरब, लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले से ही हुआ है। किनका निर्माण, ग्रहों का निर्माण पूछे तो ये बताना है। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलिक संगठन है, उन्होंने अपनी बैठक अगस्त 2000 में की तो उसमें निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड प्लूटो बौने ग्रह कही जा सकते हैं। यानी प्लूटो पहले ग्रह के रूप में रखा गया था, लेकिन प्लूटो ने सभी ग्रहों के जो नियम है वो पूरी तरह से यहाँ पर लागू नहीं होते हैं, तो प्लूटो को बौने ग्रह के रूप में रख दिया जाता है। जैसे यहाँ पर देखें ग्रहों के बारे में, तो जैसे मान लो ये ग्रह है अपना, ये सॉरी सूर्य है, ये अपना सूर्य है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं ये ग्रह, तो इसमें पहला आता है ये कौन सा, बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि और अरुण वरुण, ये ग्रह हैं। तो इनमें जो पहले चार ग्रह कौन पाए जाते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये जो ग्रह पाए जाते हैं इन्हें ग्रह, इन ग्रहों को कहा जाता है भित्री ग्रह। भित्री ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये सूर्य और यहाँ पर पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रहों की एक लेयर्स पाए जाते हैं, तो इनके बीच पाया जाता है, तो इन्हें भित्री ग्रह कहा जाता है। और उसके बाद जो मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, मंगल नहीं बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये जो बाहर के चार ग्रह पाए जाते हैं इन्हें जोवियन ग्रह कहा जाता है। यानी जोवियन का मतलब होता है बृहस्पति की तरह है, ठीक है। तो इस प्रकार से इन ग्रहों का विभाजन किया गया। उसके बाद देखते हैं कि जोवियन और पृथ्वी ग्रह इनमें अंतर है वो किस कारण से होता है, यानी इन्हें हम पार्थिव ग्रह कहते हैं, भित्री ग्रह कहते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को, जबकि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को हम जोवियन ग्रह कहते हैं, तो इसमें क्या अंतर है इसके बारे में देखते हैं। तो पहला कि पार्थिव ग्रह है वो जनक तारे के बहुत समीप बने हैं, यानी जो ब्रह्मांड बना है जिस जनक तारे से बना है उसके सबसे समीप आते हैं पार्थिव ग्रह, जहां अत्यधिक तापमान के कारण गैसें संघनित नहीं हो पाई और घनीभूत न हो सकी और जोवियन ग्रहों की रचना अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर हुई। यानी शुरुआत में देखें तो जनक तारा यानी सूर्य के जो सूर्य है उसके नज़दीक है वो कौन कौन से ग्रह आते हैं, पार्थिव ग्रह आते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आते हैं, तो नज़दीक है। और यहाँ पर सौर तरंगों के कारण तापमान अधिक है, इसके कारण यहाँ पर गैसें संघनित इकट्ठी नहीं हो पाती है और वायुमंडल है उसको ऊपर की ओर धकेल देती है। जबकि यहाँ पर जोवियन ग्रहों की ओर देखें तो यहाँ पर अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर है, तो यहाँ पर वायुमंडल का निर्माण हो जाता है। पहला अंतर तो ये है। दूसरा कि सौर वायु सूर्य के नज़दीक ज़्यादा शक्तिशाली थी, क्योंकि यहाँ पर जो नज़दीक आते हैं यानी सूर्य के नज़दीक है पार्थिव ग्रह, तो यहाँ पर क्या है सौर वायु इनके पास ज़्यादा है, अतः पार्थिव ग्रहों से ज़्यादा मात्रा में गैस और धूल कण यहाँ से उड़ाकर ले गई, कौन, सौर तरंगे। सौर पवन इतनी शक्तिशाली न होने के कारण जोवियन ग्रहों से गैसों को नहीं हटा पाई और जोवियन ग्रह क्या हो गए, इन जनक तारे से दूर है, इसलिए यहाँ की गैसों को वो यहाँ से हटा नहीं पाई, ठीक है। तो दूसरा अंतर ये हो जाता है। तीसरा अंतर क्या है कि पार्थिव जो ग्रह हैं उनके छोटे होने से इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम रही। पार्थिव ग्रह क्या है, जोवियन ग्रहों से क्या है, छोटे हैं, तो गुरुत्वाकर्षण है वो शक्ति भी क्या है इनकी कम है, और जिसके परिणाम स्वरूप इनसे निकाली गई जो गैस है वो इन पर रुक नहीं सकती है। यानी जो बड़े ग्रह हैं वहाँ पर गैसों का आवरण पाया जाता है, कहाँ पर, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है वहाँ पर, जबकि यहाँ पर पार्थिव ग्रहों में है वो वायुमंडल का निर्माण बाद में होता है। कब होता है, जब पृथ्वी का निर्माण होता है पृथ्वी धरातल का, तो उसमें जलवाष्प के रूप में गैसों का गैसें बाहर निकलते हैं, तो उसके आधार पर वायुमंडल का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये हमने ग्रहों के बारे में देखा। अब पढ़ेंगे हम चंद्रमा के बारे में, यानी चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे होती है, चंद्रमा क्या है, पृथ्वी क्या है ग्रह, और चंद्रमा क्या है इसका उपग्रह। तो चंद्रमा पृथ्वी का एक अकेला प्राकृतिक उपग्रह, कृत्रिम नहीं है, बल्कि ये चंद्रमा क्या है, प्राकृतिक उपग्रह। पृथ्वी की तरह चंद्रमा की उत्पत्ति संबंधित मत भी प्रस्तुत किए गए हैं। सन 1838 में सर जॉर्ज डार्विन है उन्होंने बताया
कि प्रारंभ में पृथ्वी और चंद्रमा तेजी से घूमते हुए एक पिंड थे। यानी उन्होंने क्या बताया कि शुरुआत में देखें तो पृथ्वी और चंद्रमा एक ब्रह्मांड में घूमते हुए पिंड थे और यह पूरा पिंड डंबल डंबल बीच बीच से पतला किनारे से मोटा। डंबल कैसा होता है यानी बीच से यहाँ से क्या होता है पतला होता है, किनारों से क्या होता है मोटा होता है। इस प्रकार से डंबल है वो इस आकृति में ये था और अंत तो गतवाए टूट जाता है। यहाँ से क्या हो जाता है ये टूट जाता है यानी समय के काल के बाद में क्या हो जाता है टूट जाता है। और उसके अनुसार चंद्रमा का निर्माण उसी पदार्थ से होता है और जहाँ आज प्रशांत महासागर के एक गर्त के रूप में मौजूद है। तो इस प्रकार से चंद्रमा का निर्माण होता है। यद्यपि वर्तमान समय के जो वैज्ञानिक है वो इनमें से किसी भी व्याख्या को स्वीकार नहीं करते हैं। यानी कि जो शुरुआत में सबसे पहले बताया गया डार्विन के द्वारा चंद्रमा का निर्माण को, तो वर्तमान जो वैज्ञानिक हैं वो इनके मत से क्या नहीं होते हैं सहमत नहीं होते हैं और ऐसा विश्वास किया जाता है कि पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव से होती है। यानी कि वर्तमान जो वैज्ञानिक क्या मानते हैं कि चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे होती है एक बड़े टकराव के नतीजे से होती है और जिसे क्या कहा गया द बिग स्प्लिट कहा गया। यानी एक बहुत बड़ा टकराव होता है विस्फोट होता है उसके कारण चंद्रमा का निर्माण होता है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के बनने के कुछ समय के बाद ही मंगल ग्रह के 1 से 3 गुना बड़े आकार का पिंड पृथ्वी से टकराता है। यानी कि जब पृथ्वी बन गई तो पृथ्वी के बनने के बाद क्या होता है मंगल ग्रह के 1 से 3 गुना बड़े आकार का पिंड है वो है क्या होता है पृथ्वी से टकराता है। उस टकराव के कारण पृथ्वी का जो हिस्सा है कुछ हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर जाता है और टकराव से अलग हुआ यह पदार्थ क्या होता है फिर पृथ्वी की कक्षा में यानी पृथ्वी चारों घूमने लगता है और क्रमशः आज जो चंद्रमा के रूप में हमें दिखाई देते हैं। यह घटना चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले बताई गई है। यानी वर्तमान वैज्ञानिक चंद्रमा को किस प्रकार से मानते हैं यानी चंद्रमा की उत्पत्ति किस प्रकार से मानते हैं तो वो सिद्धांत देते हैं ये बिग स्प्लिट द बिग स्प्लिट के नाम से ये सिद्धांत देते हैं जिसमें बताया गया है कि पृथ्वी है उसके पास एक बड़ा पिंड आता है जो मंगल ग्रह है से 1 से 3 गुना बड़े आकार का पिंड आता है और वो पृथ्वी टकराता है। टकराने के बाद पृथ्वी से कुछ हिस्सा अलग होता है और वो क्या करता है पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उसके चारों ओर घूमने लगता है और समय काल के अनुसार वह चंद्रमा का निर्माण करता है यानी चंद्रमा के रूप में हमें दिखाई देता है। यह कब हुआ था यह 4.5 अरब वर्ष पहले की बात है। उसके बाद देखते हैं पृथ्वी का उद्भव। तो क्या आप जानते हैं कि प्रारंभ में पृथ्वी कैसी थी यानी शुरुआत में देखें तो पृथ्वी क्या वर्तमान में जो दिखाई देती है ऐसी थी। तो पृथ्वी है वो इसके बिल्कुल अलग थी यानी पृथ्वी पहले चट्टान के रूप में थी गर्म थी और वीरान ग्रह के रूप में थी पृथ्वी स्टार्ट में और जिसका वायुमंडल विरल था। यानी वायुमंडल मैंने पीछे बताया कि वायुमंडल का निर्माण बाद में होता है जो हाइड्रोजन वह हीलियम से बना था। यह आज की पृथ्वी के वायुमंडल से बहुत अलग था। अतः कुछ ऐसी घटनाएं और क्रियाएं अवश्य होंगी जिनके कारण चट्टानों वीरान ग्रह पृथ्वी एक ऐसे सुंदर ग्रह के रूप में परिवर्तित हो गई। यानी हमने देखा कि पहले जो सूर्य के नज़दीक 4 ग्रह हैं वो कौन कौन से हैं बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। इसमें हमारी पृथ्वी है और वो क्या थी उसमें वहाँ पर वायुमंडल का निर्माण नहीं होता है क्योंकि सौर पवनों के कारण वहाँ पर जो हाइड्रोजन हीलियम का जो आवरण पाया जाता है गैसों का वो क्या हो जाता है यहाँ पर सौर पवनों के कारण इसका वायुमंडल ऊपर धकेल दिया जाता है तो उसके कारण वायुमंडल का निर्माण नहीं होता है। तो उस समय पृथ्वी कैसी दिखाई देती थी एक चट्टान के रूप में वीरान थी और गर्म है वो पृथ्वी दिखाई दे रही थी। लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं तो पृथ्वी हमें एक सुंदर ग्रह के रूप में दिखाई देती है। तो ये किस प्रकार से इसमें बदलाव आता है तो जहाँ बहुत सा पानी है यहाँ पर जीवन के लिए अनुकूल वातावरण हमें दिखाई देता है। तो अगले कुछ भागों में हम पढ़ेंगे कि आज से 450 करोड़ सालों के दौरान इस ग्रह का जीवन विकास कैसे हुआ यानी फिर यहाँ पर जीवन कैसे बनता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पृथ्वी की संरचना है वो परतदार है यानी पृथ्वी कैसे बनती है शुरुआत में इसकी परत की बात करें तो ये परत के रूप में किस प्रकार से बनती है कि वायुमंडल के बाहरी छोर से पृथ्वी के करोड़ तक जो पदार्थ है वे एक समान नहीं है। यानी पृथ्वी में देखें तो बाहरी धरातल पर देखें भूपरपट्टी पर जिस प्रकार का आवरण पाया जाता है पदार्थों का वैसा है पृथ्वी के अंदर आंतरिक भाग में नहीं है। वायुमंडलीय पदार्थ का घनत्व सबसे कम है। पृथ्वी की सतह से इसकी भीतरी भाग तक अनेक मंडल है और हर एक भाग के पदार्थ की अलग अलग विशेषताएँ यानी कि पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है उनमें देखें तो पदार्थों में अनेक प्रकार की हमें भिन्नता दिखाई देती है। ठीक है आज हमने यहाँ तक पढ़ा। अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे स्थल मंडल का विकास कैसे होता है और भूवैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए
मापक्रम यानी समय के अनुसार किस प्रकार से जीवन आता है, डायनासोर के जैसे युग है, आधुनिक मानव है, वो किस काल में आते हैं, किस प्रकार से यहाँ पर जीवन यापन होने लगता है और इनके बारे में अध्ययन करेंगे। स्थलमंडल वायुमंडल का विकास कैसे होता है और इसमें पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे होती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।